रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पब्लिक खबरें, अपराध पर कसा सजा, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर यानी पूरा सच देखना ना जी न्यूज 18 सिर्फ मेरे साथ। राहुल गांधी,
जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरे जो करता मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, अरे जो सरकार निकम्मी है सरकार निकम्मी है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरांचा जो सरकार निकम्मी है मुंबई कांग्रेस, अरे जो सरकार निकम्मी है आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, जैसा कि हमारी सम्माननीय नेता यूपीए पर्सन सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया था कांग्रेस के लोग शांतिपूर्वक बंद करने वाले, उसी तरह के से आज मैं सारे कांग्रेस परिवार के सारे यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सफाई कामगार सेल और बेसिक और अल्पसंख्यक विभाग, SC ST सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता नेता थे सारे सड़कों पे उतरे हुए हैं। पुलिस भी हमें अच्छा कोऑपरेट कर रही है, खासकर खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन ने भी अच्छा कोऑपरेट किया है। हमें खेरवाड़ी सिग्नल से हमें अरेस्ट किया था, हमारे सम्माननीय नेता हुसैन दलवाई जी को भी अरेस्ट किया था, वैसे ही काफ़ी कुछ लोगों को अरेस्ट किया था और एक अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। और मैं सारी 22 की 22 जिन्होंने इस बंद को समर्थन दिया उन सारी पार्टियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लोगों की आज ज़रूरत है एक मंच पर आने की। अगर इस सरकार को, इस जन विरोधी सरकार को अगर हराना है तो सबको एक जगह पे आना पड़ेगा। आज भी उन्होंने डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाया है, हम घोर निंदा करते हैं इस सरकार की। जैसे आप लोग जानते हो कि 2015 में एक बैनर लगा था इलेक्शन से पहले, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की माँ अब की बार मोदी सरकार, तो आज हम कहना चाहते हैं बहुत हुई फेकू सरकार, भगा दो मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार कांग्रेस सरकार, ये इनके वादे जो है सब खोखले थे, सब झूठे वादे थे। इन्होंने जितने भी वादे किए आज तक एक वादा इनका पूरा नहीं हुआ, ना इन्होंने कॉलेज बनाया, ना स्कूल बनाया, ना कोई एक काम आप बता दो मोदी जी की सरकार की हुई है। आज बहुत शांतिपूर्वक से हम लोगों ने बंद का जो वातावरण था, लोगों ने कॉपरेट किए, पब्लिक का सहयोग था, लोग बोले हम आपके साथ हैं, सबको तकलीफ है, दिन ब दिन पेट्रोल गैस सब चीज़ बढ़ते जा रहा है, महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है, बच्चे परेशान है, बूढ़े परेशान है, सब परेशान है, पब्लिक परेशान है, रोड पे चलने फिरने वाले लोग सब परेशान है। सब लोग ने कोऑपरेट किया, अच्छे से बंद का शांतिपूर्ण वातावरण रहा। और हम लोग खेरवाड़ी तालुका में, खेरवाड़ी में गिरफ्तारी भी दिए हमारे माननीय हुसैन दलवाई साहब, राज्यसभा के सांसद और मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश सिंह जी, सभी ने मिलकर यहाँ गिरफ्तारी दी और शांतिपूर्वक से सब लोगों ने कोऑपरेट किया, बंद किया गया सारा, हमारा खेरवाड़ी पूरा बंद रहा और हमको पब्लिक का सहयोग मिला। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। जब तक ये सरकार इस महंगाई पे लगाम नहीं लगाएगी, हमारे सम्माननीय नेता जो कैलाश मानसरोवर पे गए थे वो आ गए हैं, उन्होंने आदेश दिया है जब तक ये महंगाई कम नहीं करेगी सरकार, हम लोग इसी तरह के इसे आंदोलन करते रहेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। हमको ये मुद्दे जनता के लिए उठाने हैं, हम कोई हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये जनता की लड़ाई है, गोर गरीब की लड़ाई है, दलित पीड़ित शोषित किसान विरोधी सरकार, मुस्लिम विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, हिंदू विरोधी सरकार, ये सिर्फ सूट बूट की सरकार है। इस सूट बूट की सरकार का विरोध करने के लिए हम लोग लगे हुए। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज़ 18 पर वीडियो सहित पूरी डिटेल देख सकते हैं और हमारे जी न्यूज़ 18
आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच।